सीखे हो, मेरा नमस्कार। मैं कक्षा नवम की छात्रा आपके सामने कुछ नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं तहे दिल से क्षमा करना। हमारा पुरुष प्रधान समाज कन्या को देवी के रूप में पूजा करता है तथा माँ सरस्वती के रूप में उसे विद्या की देवी मानता है और माँ दुर्गा के रूप में उसे शक्ति मानता है। फिर क्या हो गया कि आज उसी बेटी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारा पुरुष प्रधान समाज जब अपने ही घर में बेटी जन्म लेती है तो उसी का विरोध करते हैं तथा इसके अलावा अपने ही घर में माताओं तथा दादियों द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मानसी, ओ मानसी। बेटा मानसी, तुमने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं माँ, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। अभी तक खाना भी नहीं खाया उसको, उसने स्कूल के लिए तैयार भी तो होना है उसको। माँ एक बात कहूँ क्या? बोलो ना बेटा। मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ये चोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम कहाँ सीख ले, आगे जाकर यही काम आने वाले, तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बर्तन दो। माँ जी, मानसी को भी स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए, आपको नहीं लगता उसको भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है? तू चुप कर, पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम होता है, इन्हें तो आगे जाकर घर गृहस्थी को ही संभालना है। अरे ये क्या हो रहा है, कौन किसकी जवाबदारी कर रहा है और हमारी मानसी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे पढ़ने ही नहीं देती और कहती है कि आगे चल के तुझे चूल्हा चौकाई तो संभालना है, घर गृहस्थी तो संभालनी है। ये तो बहुत गलत बात है माँ जी की, आपको नहीं लगता हम लड़कियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़े, समाज कितना आगे बढ़ गया है, आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं कल ही टीचर जी से कहकर मानसी का दाखिला करा देती हूँ। अच्छा मैं यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया है नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई, मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगी और उसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मानसी तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर मेरी तरह अच्छी डॉक्टर बनोगी। अरे बहू जरा एक गिलास पानी तो लेकर आना। अभी लाई बापूजी। अरे ये देखो आज अखबार में कितनी सुंदर प्यारी बेटी के बारे में कविता छपी है, आओ मैं तुम्हें एक कविता पढ़कर सुनाता हूँ। बेटी कहती बहा पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर समाज, सोचो जरा क्या हमारे बिन बसा पाओगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी यथा वेदना का अबो स्थाई उपचार, जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे, जब बहन ही ना होगी तो घर आंगन में किसे रुठाओगे, जब दादी नानी ही ना होगी तो कहानियाँ कौन सुनाएगा, जब कोई सोपन सुंदरी ही ना होगी तो तुम ब्याह किससे रचाओगे, जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे, जब स्त्री ही न होगी तो इस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश बढ़ाओगे, नारी के बिन जग सुना है तुम ये कब समझ पाओगे। हाँ तो तुम्हें ये कैसे लगी कविता, है ना मजेदार? कहाँ है कि मजेदार, मुझे तो पसंद नहीं आई। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, आपका ही इंतजार था। हाँ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई इसीलिए ना आप आई। डॉक्टर दीदी कह रही थी कि मानसी का अभी तक एडमिशन ना करवाए, ये तो बहुत होना छात्रा है, ये प्रतिभाली छात्रा है, हमें साचे अंगों से उठनी होगी। हाँ हाँ मैं भी तो यही चाहती, मैं मेरी सुनता कौन है यहाँ। हाँ हाँ और भेजो लड़कियों को बाहर, और अगर कुछ गलत सलत हो गया तो मुँह छुपाने लायक ही नहीं रहोगे। अरे दादी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई हो, हमारी मानसी बेटी को 10वीं तक तो पढ़ाई करने दो, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ अब हमारी मानसी आज से स्कूल जाएगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी मानसी मेरी तरह अनपढ़ रहे, कल मैं इसे लेने आऊँगी, इसे तैयार रखना। क्यों दादाजी मैंने सही कहा ना? हाँ बेटा तुमने बिल्कुल ही सही कहा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मानसी बेटी को जल्दी ही स्कूल भेज देना चाहिए। दादाजी प्रणाम।
खुश रहो बेटा। दादी जी प्रणाम। अब हमारी मानसी बेटी आवे से स्कूल जाएगी, पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बनेगी। लड़कियाँ लड़कियाँ पढ़ लिख कर हम लड़कियाँ बदलेगी अपनी दुनिया, लाएगी घर में खुशियाँ, शिक्षा का अवसर पाए तो हम आगे ही आगे बढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।